पावन मेरो उत्तराखंड। सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं बागेश्वर महिपाल। आज आप सबके सम्मुख दशहरा के शुभ अवसर पर बागेश्वर सरयू नदी का नज़ारा दिखा रहा है। और बागेश्वर सरयू नदी आप सभी जानते हैं, जिसे गंगा के नाम और सरयू, ये दो शब्द ऐसे हैं कि बागेश्वर की नदी को इस नाम से जाना जाता है। और आज का जो नदी का मेन मकसद है, आज है गंगा दशहरा, और आज ही के दिन भगीरथ जो थे, उनके भगीरथ प्रयास कहा जाता है। भगीरथ जी ने आज पृथ्वी में जो गंगा को था उसको अपने साथ लाए थे, तो यही विशेष बात है। और इसी पर्व को हम लोग दशहरा के रूप में मनाते हैं। और जो सरयू नदी है, वो कहा जाता है भगवान विष्णु का भी एक अवतार है, कण कण में विष्णु। भाई, एक तो गंगा दशहरा और दूसरा बागेश्वर का नेटवर्क है, और तीसरी बागेश्वर की बारिश, और अब जो है रिमझिम बारिश स्टार्ट हो गई। और आज के दिन बागेश्वर सरयू नदी में लोग सरयू स्नान करते हैं, जिसे गंगा स्नान भी कहा जाता है। अब देख सकते हो दूर दूर तक यहाँ सभी स्नान करने आए हुए हैं, और अब जो है बारिश तगड़ी होने लगी है। आप ये नदी में देख सकते हो पानी के बुलबुले गिर रहे हुए हैं। तो आप सभी मित्रों को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। बागेश्वर सरयू नदी तट से आप सभी को ये दर्शन किया जा रहा है, और प्रयास था कि बागेश्वर में होने वाली समस्त धार्मिक कार्यक्रम आप सभी को दिखाएं, और इसीलिए लगे रहते हैं भाई, अपना मोबाइल पकड़ के हम तो निकल जाते हैं आप लोगों को यहाँ के दर्शन कराने के लिए। और आप लोग जब भी हमें दूर दूर के दिखाते हैं, कोई केदारनाथ जा रहा, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि हमें घर बैठे बहुत सारी जगहें दिख जाती हैं। उन जगहों को देखने से हम अनुभव कर लेते हैं कि हम भी उस जगहों को गए हैं। तो आप लोग जब भी जाते हो तो हमें बड़ा क्या बात, नहीं बेटा वहाँ गए, मंदिर गए हो, मंदिर के हैं, मंदिर के। और जो है नन्ना बच्चा हमारा खजर वजर कर रहा है, किसी की पूजा का सामान है बेटा, उनको हाथ नहीं लगा दो। चलो अब हम चलते हैं, लो इसको पकड़ो। और अब जो है हम आपको दिखाएंगे बागनाथ मंदिर का नज़ारा, और भव्य भगवान शिव की मूर्ति, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ हमारे आदरणीय चंदन नाम दास जी द्वारा हमको समर्पित किया गया है। यह है बागेश्वर का नज़ारा, और हमारा नन्हा बालक दिव्यांशु, चलो भैया। और ये देखिए सेल्फी क्रेज, क्या बात है, चलो। हाँ, उत्तरायणी मेला अभी नहीं होता बेटा, वो होता है 14 जनवरी को। तो अब जो है भैया हम तो चले मंदिर को, और ये सामने देख रहे हैं आप 10 नाम जूना अखाड़ा है, बहुत भव्य अखाड़ा है। और इसे जो है जब यहाँ कुंभ होता है तो दूसरा स्थान मिलता है स्नान करने का, क्योंकि सेकंड नंबर में पूरे उत्तराखंड में, या कहें कि ये सेकंड नंबर का अखाड़ा है। तो अब है बाणेश्वर देवता, क्या बात है। और यहाँ जो लग रहा है अभी भोग लग रहा है, क्या लग रहा है, भोग लग रहा है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक गंगा दशहरा द्वारपत्र। तो भाई ये है विशेष है हमारे मठ मंदिर जो होते हैं आप, ये देखें हमारे खिमदा जो हैं अभी भोग की तैयारी कर रहे हैं। और भोग जो मैं हमेशा उसका एक दो लाइव भी किए हैं, उसमें जो होता है भगवान को चावल, क्या क्या चढ़ता है दादा भोग में, दाल चावल, दाल किसकी, दाल वो अरहर और उड़द, अरहर और उड़द। देखो दो दालें चढ़ती हैं, अरहर और उड़द, क्या बात है। हमारे नन्हे बालक ने तो चिपका दिया, ढक्कन लगाओ इसमें, गुड, हर हर महादेव। और एक खासियत यह है बाणेश्वर का, बाणेश्वर को जो कहा जाता है यहाँ का रजिस्ट्रार, तो जब भी आप जी बागनाथ जी का क्या जी जी अष्टकमल बनाया जाता है बागनाथ जी में चावल का, और जिसे बनाना बड़ा टफ होता है, लेकिन हमारे खिमदा जो हैं वो उसे बनाते हैं। और मैं जो ये सामने दिखा रहा हूँ ये है यहाँ का रजिस्टर। तो कहा जाता है जो व्यक्ति यहाँ आता है इसमें अपने साइन जरूर करता है, और साइन करने पर बाद और अपने उसे जो है भगवान जी के आगे रखा जाता है, तो बहुत मान्यता है। और अगर बागनाथ मंदिर का अगर आप दर्शन करते हैं तो बाणेश्वर मंदिर जरूर जाया करो, और क्योंकि वहाँ पर जो नाम जो लिखा जाता है वो नाम जरूर लिखा है। अब जा रहे हैं हम 10 नाम जूना अखाड़ा, चलो बेटा चलो।
चप्पल यहाँ पर उतार जाओ। क्यों पापा? चलो आओ, चलो। अब जो जाएंगे हम दशनाम जूना अखाड़े में, क्योंकि आज जो है दसरा, द्वारपत्र हमने सब जगह लगाना, और ये मान्यता होती है कि लो यहाँ पर, हाँ चिपका चिपका मैं देखा हूँ आपको। हाँ जय भोले। और ये है हनुमान जी की मूर्ति, क्या बात है। तो ये जो देख रहे हैं आप दशनाम जूना अखाड़े का, और आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। किनारे किनारे लगाओगे तो बढ़िया चटकेगा ना। चलो आ जाओ यहाँ देखना बाबू, जय बाबा जी। और स्वामी प्रभु एक यहाँ पर लगा देना। अच्छा अच्छा इधर घूम जाओ, ठीक है ठीक है। और ये जो है दशरथ नहीं बेटा, दशहरा। ऊपर लगा, मैं लगा दूंगा। हाँ इसमें हनुमान जी वाला ढूंढना, हनुमान जी वाला जी। चलो ठीक है, इसी को लगा दो जो निकाल लेगा। ले लो बाबू तुम्हारा प्रसाद, पकड़ो पापा का दे देना, जो मैं भर लूंगा। पापा झोले में रख दूं? इतनी आपको दे इतनी सकते डाल दो। अब ये चढ़ा देते हैं हनुमान जी है ना। अब आपको जी दीपांशु आ जाओ। और ये जो है ये माँ भगवती का जो मंदिर है, मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई ये जो है कुछ यहाँ की जो परंपराएं हैं वो आप लोगों के सम्मुख रखें। आ जाओ अब एक इधर, हाँ मैं बताऊंगा। चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। एक यहाँ पर ये वाले में जय संतोषी माता, एक निकालो ना इसमें से।
चिपकाओ ना। चलो 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 आइए, चलो 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 काली माता को भी। जी खिचड़ी यही चढ़ाते हैं भैरव बाबा। आइए आप वहीं चल रहे हैं ना। भैरव बाबा और बागनाथ जी आगे रहे। ये दशनाम जूना अखाड़ा हुआ, मेन पौराणिक मंदिर ये और वो हुए, ये हुए भैरवनाथ जी। इसके अंदर अभी तो गेट लगा है, बाहर से एक बर्तन होगा उसमें रख दीजिएगा। लो बेटा दीपांशु, इसमें वो लगाते हैं क्या? ग्लू। जब हम छोटे छोटे थे तो हम लगाया करते थे, अपने पापा के साथ आते थे। और आज जो है हम अपने बच्चे को सिखा रहे हैं कि भाई ऐसे क्या जमीन में बैठी हुई थी यार। नहीं यार, तूने देखी क्या? अभी देखी मैंने। क्या बात करते हो यार। और ये जो है नज़ारा काल भैरव मंदिर का है, और जहाँ जो है स्थानीय लोग जो है दशहरा जो द्वार पत्र है उसे चिपकाते हैं। ये पुरानी परंपराएं हैं, हम लोग जब छोटे छोटे थे तब से ये चीज़ करते हुए आए हैं, और आज भी देख रहे हैं लगातार जो है लोग वही परंपराएं बनाए हुए हैं और अपने अपने घर की दहलीज में इन्हें चिपकाते हैं। तो भाई ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों के समूह साझा की जा रही है। वो जी भोग के लिए लाते हैं, वही भोग हमने देना है भगवानों को। जी गुरु जी, बेहतरीन, बहुत सुंदर बात। और क्या बात है, सर से बजा दिया आपने घंटी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ये जो सामने का नज़ारा देख रहे हैं ये बट वृक्ष का नज़ारा है, और आपको जब मैंने एक लाइव भी किया था और यूट्यूब पे भी डाला था, बागेश्वर में बट वृक्ष में बट सावित्री की पूजा का, तो ये वो जो नज़ारा था वो यहीं का था। इसके चारों ओर आज भी आप रक्षा धागा देख सकते हैं, जो रक्षा धागा बांधे हुए हैं लोगों ने। ये कुछ बातें हैं जो सोचता हूँ कि आप लोगों के सम्मुख रखूँ, और बहुत दिनों बाद लाइव आया हूँ, क्योंकि लाइव जो है आजकल कम आते हैं, समय बहुत कम होता है। और तो बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि तो दरअसल क्या है कि ये अभी जो आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये बागनाथ मंदिर के एरिया का आया है। और अब जो है मैं अंदर को जाता हूँ, मैं तब तक एक दशहरा द्वार पत्र लगा के आता हूँ, और आशा है कि आप थोड़ा प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि मेरे हाथ जो हैं खाली नहीं है, मुझे दशहरा द्वार पत्र भी लगाना है और आप लोगों को बागेश्वर के बारे में दिखाना है। इसका ग्लू का ढक्कन क्या है? ढक्कन क्या है? क्या उठा के लाओ तो? अब जो हम आए हैं बागनाथ मंदिर में आए हैं, और अब यहाँ जो है अभी चल रहा है भोग, जो अभी हम दिखा रहे थे आपको यहाँ भी देखेंगे आप लोगों ने जो ये द्वार पत्र लगाया है। हर महादेव शंभो।
काशी विश्वनाथ जाने, काशी विश्वनाथ जाने रे। और ये है भोजन की थाल। इसे कहा जाता है भोग की थाल। और एक मंदिर जो है यहाँ विष्णु भगवान का मंदिर कहा जाता है, और बड़ा संशयी भी है और बड़ा ज़बरदस्त मंदिर है। मूर्ति है भगवान विष्णु की। और एक जो मेन बात है वो ये है कि कृपया सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि इस समय भोग आरती हो रही है, मंदिर के अंदर प्रवेश ना करें। जय श्री बागनाथ। जय श्री बागनाथ। कृपया 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 अभी बजेंगे। हम बजेंगे ना? नहीं, आप घंटे बजाएंगे। नहीं, नहीं, नहीं। क्यों? या बड़ा लोग हाथ में लगेगी करके ना? आपके हाथ तक जाएंगे। और इसे जो कहते हैं, इसे भीम की गधा कहा जाता है। और जो यहाँ पर धूप अगरबत्ती स्टैंड है, आप जब भी आए तो धूप अगरबत्ती यहाँ पर जलाएं। ये देखिए आदरणीय विधायक जी का नाम तो यहाँ भी है। वर्ष 2011-12 मद का नाम से विधायक जी। ये जो है अब जो है लगातार यहाँ जो होगा घंटियों का एक गुंजन होगा, जिसमें सभी जो हैं स्थानीय लोग घंटी बजाएंगे और पूरे मंदिर की परिक्रमा होगी। और उस वक्त जो है भगवान शिव को भोग लगता है और ये भोग की आरती कहलाती है, ये वाली जो अब जो है अभी थाल लेके आएंगे। और ये अंदर गए, अब जाके भोजन थाल लेके आएंगे, आरती लेके आएंगे। क्षमा चाहता हूँ, आरती अब हम उनके पीछे पीछे जाएंगे ना, चप्पल बिना चप्पल के। हाँ, बिना चप्पल के। वो भी बिना चप्पल। ये घंटियाँ बज गई, आप जाके घंटियाँ।
की परिक्रमा करते हैं, और मैं वही आप सभी को लाइव दिखाऊंगा। हमारी कोशिश है आप सभी को बागेश्वर मंदिर का आज दर्शन कराते हैं, भोग आरती आपको आज पूरी दिखाते हैं। यहाँ के यहाँ से फिर जाके हम गए बागेश्वर मंदिर। उसके बाद जो है जब भोजन थाल और आरती बाहर आएगी, उसके बाद जो श्रद्धालु हैं तब जाके मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये कुछ नियम हैं और कुछ जानकारी है। आप जब भी बागनाथ मंदिर दर्शन के लिए आते हैं, रात
तक का यह नज़ारा आपको हमेशा मिलेगा। और उस समय जब भोग लग रहा होता है तो उस समय लिखा भी बोर्ड भी लगा होगा कि आपने जो है उस वक्त मंदिर में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि उस वक्त जो है मंदिर के अंदर जो होता है भगवान को भोग लग रहा होता है। कुछ नियम हैं जिनकी हम सभी को और हम सभी को उसका पालन करना चाहिए। और यही परंपराएं हैं, यही रीति रिवाज हैं जिससे हम ये तो आई भोजन थाल, क्या बात है। इसके बाद जो है आरती एक आती है, एक मिनट एक आरती आती है, फिर उसके बाद जाएंगे। और एक विशेष बात, चावल का फर्स्ट कमल बन अगर नेटवर्क रहा तो मैं जरूर उसके दर्शन कराऊंगा। फर्स्ट कमल Then